सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सुवेद एंड वेलकम टू माय चैनल आरबी पेट्स फार्म। सो दोस्तों, माशाल्लाह से हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है हीरा गोट फार्म की, जो कि खस्सी की वीडियो थी। ये सेकेंड वीडियो शूट हो रही है और इसमें सारे एक से एक नगीने अंडू बकरे हैं। सो हम समीर भाई से डिटेल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। क्या बोलते हैं समीर भाई, खैरियत? सो माशाल्लाह समीर भाई, फर्स्ट वीडियो अपन ने खस्सी की बनाए, सेकेंड ये वाली अंडू की बना रहे हैं। सो जो फर्स्ट ये बकरा हम देख रहे हैं, क्या खासियत की है ये बकरा भाई? ये हंसा ब्रीड है, हंसा ब्रीड में है और माशाल्लाह पंच देखो बकरे का, जबरदस्त जबरदस्त। ये बकरे का तो ऐसा है ना, देखो ये बकरे का ऐसा है कि ये बकरे के लिए अपने को बोलना नहीं पड़ेगा, बकरा खुद ही बोल रहा है, खुद बोलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, चीज चेक करो, बकरा देखो दोस्तों, जबरदस्त बकरा है भाई। इसकी ब्रीड अपन ने लिए है, रिजल्ट है अपने पास, इसके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? कैसा रिजल्ट है इसका? है इंशाल्लाह, दिखाएंगे आगे वीडियो में। ठीक है चलेगा। सो ये वाला जो बकरा है ये फॉर सेल है अपने? फॉर सेल है भाई, 41 की हाइट है, 41 की हाइट है, हाँ, और 110 किलो के ऊपर है भाई, 110 किलो के ऊपर है बॉडी वेट। ये सब वेट अपन तोलते है ना भाई? तोला हुआ वेट है, तोला हुआ वेट है दोस्तों। बकरा चेक करो ऊपर से नीचे तक, माशाल्लाह बकरा है। इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हो, ज़बरदस्त है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ब्रीडिंग ले सकते हैं ना अभी भी? हाँ ले सकते हैं। सही है, ज़बरदस्त। ये अपने पास कब से है भाई? ये अपने पास 6 महीने का था तब से भाई। अच्छा, मतलब जो तैयारी है ये अपने हाथ की तैयारी है। सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त दोस्तों। चीज चेक करो, झालर वालर चेक करो बकरे की। इसको अभी काफ़ी हम लोग ने चलाए है इसलिए वो थोड़ा हाँ, आफ रहा है और गर्मी भी बहुत है। मेरा फ़ोन खुद गर्म हो जा रहा है गर्मी की वजह से। बाल भी बहुत है, हाँ से बाल हम लोग निकाले थे। अच्छा, गर्मी हाँ, के गर्मी की वजह से भी निकाले थे और थोड़ा सा उसको इन्फेक्शन हुआ था स्किन में। ओके, बाल उसके उतारे थे, अभी तो ऑलमोस्ट बाल आ गए और भी आने के जो झालर है, हाँ वो सब आने के इंशाल्लाह इस तक आ जाएंगे। सही है माशाल्लाह दोस्तों, क्वालिटी चेक करो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बकरा है। इनका भी रेट्स अपन पर्सनल पे बताएंगे ना समीर भाई, एक बार अपना नंबर बता दो। 9076 9076 8080 80 80 80। और समीर भाई, जैसे कि अपने फार्म का नाम है हीरा गोट फार्म जी भाई, इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन ऐसे है, पनवेल से 4 या 5 किलोमीटर पे है। ओके, गोवा रोड पे, गोवा रोड पे सांगुरली गांव है, सांगुरली, हाँ okay. सांगुरली विलेज में एंट्री करते ही मतलब 2 मिनट का ही रास्ता है, 2 मिनट के रास्ते पे। आपको अगर सांगुरली गांव के पास आके कॉल किया तो आप गाइड भी कर लोगे? गाइड करेंगे, अगर कोई व्हाट्सएप पे लोकेशन मांग रहे लोकेशन भेज देंगे, आसान हो जाएगा आने के लिए। हाँ, लाइव लोकेशन भेज देंगे, करंट लोकेशन, सो उससे आसानी हो जाएंगी। माशाल्लाह दोस्तों, चीज चेक करो, किसी को भी पसंद हो समीर भाई को कॉन्टेक्ट करो, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। समीर भाई थोड़ा सा चला लो इसको, माशाल्लाह रुकरानी है बकरा। देखो दोस्तों ज़बरदस्त, ये वेट पे भी बकरा भाग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर। सो समीर भाई, फर्स्ट अपन ने बड़ा वाला बकरा देखे अपना, अभी ये जो अपन बकरे देख रहे हैं एक एक करके बात करते हैं, जो आपके हाथ में है पहले उसकी डिटेल्स ले लेते हैं। क्या डिटेल्स पे समीर भाई? हैदराबादी क्रॉस है भाई, हैदराबादी क्रॉस। ओके, सोजत से, सोजत से, सही। वाइट आइज में, वाइट आइड है बकरा, सही। अंडू है ना ये सब? अपन दिखा रहे हैं अंडू है, सही। हाइट पे 2 दांत पे बकरा है ये, 2 दांत पे, और हाइट काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, जैसे एज कम्पेयर टू दूसरे बकरे के हाइट काफ़ी है। कितनी हाइट रहेगी अंदाज़ा? अंदाज़ा 37 है, 37 के आसपास की हाइट है, सही है। अभी से 2 दांत पे है बकरा, 50 से 55 किलो पे है, 50 से 55 kg बॉडी वेट है लाइफ, सही है। और एग्रेशन में? एग्रेशन में भी है थोड़ा, ये सही पकड़ा हुआ हो, नहीं तो फिर वो और मस्ती करता था, सही है। सो दोस्तों वाइट आइड है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज, वाइट आइड बकरा है। किसी को भी चाहिए समीर भाई को कॉन्टेक्ट करे। समीर भाई ये हो गया, एक दूसरा देख लेते हैं अभी। दोस्तों चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, आप चीज़ देख सकते हो, सामने की चीज़ है आपके। ये क्या डिटेल्स पे समीर भाई? ये भी बकरा 2 दांत पे है। ओके, और 45 kg पे रहेगा ये, 40 to 45 kg बॉडी वेट है। और क्या नस्ल में ये? ये कोटा है, कोटा, सही है दोस्तों, कोटा ब्रीड में है। इसकी
खासियत है कि ये पूरा वाइट है और झालर अभी से उसकी दिख के आ रही है। हाँ, और एग्रेसिव भी है। माशाल्लाह, एग्रेशन वाले फौरन आ जाइए, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। सो माशाल्लाह ये दो बकरे देखे हमने, इनकी भी प्राइसिंग वगैरह सब फ़ोन पे रहेगी ना, पर्सनल पे? सही है। सो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, दोनों भी अच्छे बकरे हैं। ये साल के लिए भी जो दो दांत के जिनको चाहिए उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, क्वालिटी के लिए अच्छा है। आपकी एडवाइस मतलब एक मेरी एडवाइस है, 37 height पे दो दांत है, 55 kg पे है और माशाल्लाह खूबसूरत भी है और बहुत अच्छी साइज दे सकता है। तो ये आगे जाके बनेगा ना अगर साल पलटी के लिए रखे तो? बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ज़बरदस्त चीज़ है। अभी अगर किसी को चाहिए साल पलटी के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सही है। सो ये अभी दो देख लिए, अभी अपन ने और दूसरे दो देख लेते। सो दोस्तों, ये और दूसरे दो बकरे, सो इनकी भी डिटेल्स ले लेते हैं समीर भाई से। समीर भाई, इनकी क्या डिटेल्स है? भाई दो दांत पे है, दो दांत पे है, 45 kg वेट पे है, 42-45 kg वेट है। सही, कोटा बकरा है, गुलाबी है, कोटा नस्ल में है ना। माशाल्लाह इसका फेस कलर देखो दोस्तों, कुछ यूनिक कलर में है, बहुत अच्छा कलर है, मतलब ब्यूटीफुल है। दो दांत पे है ना ये? सही है। और एक्टिवनेस? फुल एक्टिव है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव भी है, पकड़े है इसलिए थोड़ा एग्रेसिवनेस कम दिख रहा है उसका, एग्रेसिव है। सही है। और ये सेकंड वाला? ये भी दो दांत पे, माशाल्लाह इसकी हाइट अच्छी है। हाइट रखने वाली चीज़ है भाई, अगर किसी को लेकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं पलटी पे, मतलब बनने वाली चीज़ है। अभी दो दांत पे है, 36-37 हाइट है इसकी, 36-37 की हाइट है, और वजन में 55-60 kg रहेंगे, 55-60 kg के आसपास का वजन है। सही, अच्छा बकरा है, गुलाबी है, कलर पैटर्न भी अच्छा है, गुलाबी तो है उसके फेस पे, देखो सामने जाके दिखा तो मैं, पिंकनेस है दोस्तों बकरे में, और एग्रेशन में भी ज़बरदस्त है, सिक्के भी अच्छे है, कलर पैटर्न भी है, माशाल्लाह मतलब कंप्लीट है बकरा, बकरा पूरा कंप्लीट है ओवरऑल, रखने जैसी चीज़ है ये, रखने की जैसी। उसके पैर देखो माशाल्लाह, दोनों पीछे के वाइट स्पॉट है नीचे, ज़बरदस्त। सही है। और एग्रेशन में भी खूब है, एग्रेशन भी है, अभी वो पकड़े है, कान पकड़े है तो ज़रा रुका है, नहीं तो एग्रेशन में बहुत ज़बरदस्त बकरा है। सही है माशाल्लाह। सो दोस्तों, इसमें से कोई भी चाहिए आपको, स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हो, समीर भाई से कांटेक्ट कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन है। और समीर भाई, अपना वेट रेट मतलब एवरेज रेट कैसा है, मतलब मीडियम या क्वालिटी है तो हाई, मतलब कैसे? हाँ मतलब क्वालिटी वाइज रेट है, क्वालिटी के हिसाब से रेट है, क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ा सा रेट देना पड़ता है हम लोग को भी आगे वैसा रेट। सही है। सो दोस्तों, जैसी क्वालिटी वैसी रेट, हर चीज़ चानस में नहीं आती है, वो एक लाइन है ना, हर चीज़ चानस में नहीं आती है। सो जैसी क्वालिटी वैसा रेट है, बट फिर भी एक रीजनेबल रेट रहेगा। सही है, इंशाल्लाह रीजनेबल रहेगा और उससे तो कम ही रहेगा। सही है, सही है। सो दोस्तों देखो, दोनों में से कोई भी पसंद हो स्क्रीनशॉट लो और समीर भाई को सेंड करो, ठीक है? दूसरे देख लेते हैं अभी। सो दोस्तों, नेक्स्ट दो बकरे माशाल्लाह, ये तो बोलना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, देख के जो बकरे जो पालते हैं जिनको नॉलेज हो, देख के समझ गए कि कौन सी ब्रीड है। फिर भी हम समीर भाई से डिटेल्स ले लेते हैं। समीर भाई, इनकी क्या डिटेल्स है? भाई अपने चार चार दांत निकालेंगे, निकालेंगे निकाले दांत। अच्छा। और ये 55-60 kg पे है, 55-60 kg के आसपास। सही है। ब्रीड कोटा है ना ये? कोटा ब्रीड, प्योर कोटा ब्रीड के। और इनकी हाइट क्या रहेगी? हाइट 36-37 है, 36-37 की हाइट है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ समीर भाई, काफ़ी एग्रेशन है। हाँ, एग्रेशन बहुत है, जो एक कोटा में एग्रेशन रहता है बकरों में वो इनमें है, बहुत अच्छी फ्रेम में है बकरा। आप क्या कहना चाहेंगे लेने वाले के लिए? लेने वाले के लिए अच्छा है, फ्रेम अच्छी है, बकरे की एग्रेशन है, और आते साल के लिए अगर रखता है, बकरा अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। खड़े सिक्के मेन जो कोटे में सिक्के आते हैं, ये भी अच्छे दोस्तों। देखो, जो कोटा का एग्रेशन रहता है वो आपको वीडियो में सामने ही देखने मिल रहा है। अभी इनको ला रहे थे तभी ये लोग ने एग्रेशन दिखा दिए थे, फिर भी अभी पकड़ के रखे समीर भाई ने तो थोड़ा कम है, ठीक है? ये समीर भाई ये वाला देख लिए, अब दूसरा वाला देख लेते हैं अपन। इसकी क्या डिटेल है समीर भाई? ये भी 14 दांत निकाल रहा है भाई। अच्छा, अभी पक रहा है, पिंक स्किन में है बकरा। पिंक स्किन में। सही है। ये भी एग्रेसिव है। इसकी हाइट ज्यादा है क्या? इसकी हाइट उससे ज्यादा है, दूसरे बकरे से ज्यादा है ये वाले से। 37-38
38 के आसपास की हाइट है। काफ़ी एग्रेशन में बकरा, और वेट में 50-55 रहेगा, 50-55 केजी के आसपास है। पल्टी के लायक चीज़ है, फ्रेम में भी बहुत ज़बरदस्त है। वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होकर खड़े रह रहा है, मस्ती में आया है इसलिए कॉम्पैक्ट हो रहा है, नहीं तो अच्छी लेंथ में भी है बकरा। सही है, झालर जिसे कहते हैं, खुर वाइट है क्या इसके? हाँ, खुर वाइट है, कुछ ब्लैक एंड वाइट है दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा वाइट में खुर में आया है कोटा। सही है, सो इसमें से भी अगर किसी को पसंद हो समीर भाई को कांटेक्ट करें। अगर किसी को आके सामने देखना हो, समीर भाई अपने टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे आके देखने के? अभी तो फिलहाल रमजान में जोर बाद से असर तक आए हम लोग इधर, और उसके बाद में फिर 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटा रहते रात में रहते हैं। सही, और अगर कोई दूर से आ रहा है तो आने से पहले अगर आपको कांटेक्ट किए, कॉल करेगा तो फिर हम लोग 10 से 11 तक भी रुक टाइमिंग अरेंज कर सकते हैं उस हिसाब से। सही है दोस्तों, चीज़ देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, दोनों भी बहुत ज़बरदस्त है, ये साल के लिए भी और आने वाले साल के लिए भी। इसके अलावा फिर अपने पास और है ना अंडू दिखाने के लिए? ठीक है, सो ये दोनों को यही एंड करते, नेक्स्ट बकरों पर बढ़ते। सो दोस्तों इस वीडियो के ये आखिरी बकरे रह गए दोनों, इसके बाद एक और वीडियो बनने वाली है बड़े अंडू बकरों के ऊपर। सो ये जो दो बकरे हैं इनके डिटेल्स हम समीर भाई से ले लेते। समीर भाई क्या डिटेल है ये बकरों की? कोटा बकरा है ये, कोटा ब्रीड में, कोटा ब्रीड है ये, अभी चौथे दांत निकाल रहा है, चौथा दांत कर रहा है अभी। हाँ। सही है, हाइट रहेंगी 36-37 की हाइट है, 55 से 60 किलो पे वजन पे आई है, 55 से 60 केजी के आसपास का बॉडी वेट है, और इसका वैक्सीनेशन वगैरह सब हुआ रहेगा ना? सब हुआ है, सेट वगैरह, और काफ़ी एग्रेशन में भी है माशाल्लाह, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों काफ़ी एग्रेशन में है ये बकरा। ये भी रखने की चीज़ है भाई, पल्टी पे बकरा रखने की चीज़ है, नेक्स्ट ईयर के लिए। मारता है क्या ये? मारता है, एग्रेशन में है थोड़ा बकरा। सही है दोस्तों, देखो एग्रेशन में है, एग्रेशन वालों को, जो कोटा लवर्स है एग्रेशन वाले, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ही है माशाल्लाह। एक ब्राउन पैच, पूरा वाइट है और एक ब्राउन पैच आया है गर्दन के ऊपर। सही है, सो दूसरा देख लेते अभी, इसकी क्या डिटेल है समीर भाई? समीर भाई तुम्हारे हिसाब से क्या इसकी डिटेल रहेंगी? मेरे अभी जहाँ तक के मैं देख रहा हूँ 50 केजी। हाँ, वो तो रुबाब वगैरह है माशाल्लाह, 36 के आसपास की हाइट है, रुबाब भी है बकरे को। ये इससे तो 4 दांत का तो नहीं रहेगा, फिर भी 2 दांत 3 दांत 2 दांत। मैं अभी दांत तोड़ा ही नहीं, ये अदंत है, क्या बात कर रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचा। अच्छा, किसी को अगर नहीं मतलब यकीन हो रहा है तो उनको प्रूफ मिल जाएगा, पर्सनल पे वीडियो भेज दो ना, नहीं तो चलो दिखा देते। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आदन बकरा आपके सामने है, लाइव देखे अपन ने, ऐसा नहीं है कि पीछे से आई ये वीडियो, लाइव देखे आदन थे। मेरे हिसाब से मेरे को लगा था कि ये फिर भी एक 2 दांत के आसपास का रहेगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, पालने लायक चीज़ है। अच्छा समीर भाई, ये इत तक ये 2 दांत कर देगा ना? हाँ, 2 दांत कर सकते हैं, कर सकता है ना इत तक, और आने वाले साल के लिए पल्टी के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये वेट पे ये हाइट पे आदन बकरा है तो फिर वो 2 दांत 4 दांत पे किधर जाएगा। तो दोस्तों दोनों भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है समीर भाई? कोटा में ही है। सही है दोस्तों, दोनों अंडू है, कोटा में है। अगर किसी को भी ये पसंद हो, समीर भाई का नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, समीर भाई से कांटेक्ट करें। तो समीर भाई, ये अपन ने देखे अंडू पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 में इंशाल्लाह दूसरे बकरे बताते हैं। उसमें कौन से रहेगा फिर भी? एक उसमें कोटा ही है, कोटा है। और यही साइज है, छोटे बड़े बड़े ऐसे, ठीक है चलेगा। सो इस वीडियो को इधर ही एंड करते, किसी को भी चाहिए रहेगा तो आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।